नमस्कार, मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी गई है और आने वाले समय में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है, किन किन इलाकों के लिए वार्निंग है, मौसम विभाग क्या कह रहा है, ये सारी जानकारी आपको हम इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं कि मौसम का हाल क्या है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि क्या कह रहा है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट इमेजरी में देखिए कि इस समय की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से मौसम बदल चुका है। एक बड़े इलाके में मौसम बदला है और ज़बरदस्त तरीके से। जिन इलाकों में मौसम बदला है उसमें हम कह सकते हैं झारखंड, क्योंकि अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में ज़बरदस्त बारिश हुई है और उस बारिश का हम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो असर पड़ा है रेलवे की आवाजाही पर पड़ा है। हावड़ा स्टेशन पर इतना ज़्यादा पानी भर गया कि कई रेलगाड़ियों को स्थगित करना पड़ा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में अगले 24 से 48 घंटे हम कह सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक हैं। साथ ही साथ ओडिशा की बात करते हैं तो उत्तरी ओडिशा का वो इलाका जो झारखंड से लगा हुआ है वहाँ घने बादल देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का वो इलाका जो झारखंड से लगा हुआ है उसमें देखिए किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में जोरदार तरीके के बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं गुना, ग्वालियर, इन सारी जगहों पर ज़बरदस्त तरीके की क्लाउडिंग है। जयपुर और आसपास के इलाकों में जिस तरीके की पहले से बोला जा रहा था ज़बरदस्त तरीके की कई इलाकों में बारिश हो सकती है, वो स्थिति यहाँ पर बनती दिख रही है। हरियाणा की बात करें, दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में जोरदार बारिश जो पहले चल रही थी उसमें काफ़ी कमी आ चुकी है। तो ये इस समय की स्थिति है और इस स्थिति में क्यों बदलाव हो रहा है, किस वजह से बदलाव हो रहा है, तो उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मानसून की हवाएं कहाँ चल रही हैं, किस तरीके से आपस में टकरा रही हैं, कहाँ से नमी आ रही है। तो आइए सबसे पहले अब दिखाते हैं आपको कि मानसून की हवाएं किधर से आ रही हैं, किस तरीके से उनमें उमड़ घुमड़ हो रही है, किस तरीके से आपस में टकरा रही हैं जिसकी वजह से बादल बन रहे हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं क्या स्थिति है। तो पिछले कुछ घंटों में जो मौसम का हाल रहा है उसमें कई चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोमालिया कोस्ट से किस तरीके से मानसून की हवाएं बड़ी तेज़ी से वेस्टर्न घाट से टकरा रही हैं, लेकिन बारिश इन इलाकों में नहीं हो रही है, कम हो रही है। और उसके पीछे जो वजह है, वजह यह है कि इन हवाओं की जो डायरेक्शन है वो अलग तरीके की हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हवाएँ हम कह सकते हैं सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर से होती हुई मध्य भारत में पहुँच रही हैं। ये देखें कि मध्य भारत में पहुँच रही हैं और दो यहाँ पर कम दबाव के क्षेत्र दिख रहे हैं। एक कम दबाव का क्षेत्र देखिए, इसकी पोजीशन बदल चुकी है, पिछले 24 घंटे से इसकी पोजीशन काफ़ी बदल चुकी है और यहाँ पर ये जो हवाओं में जो घुमाव है वो कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश ला रहा है। और यहाँ से जो मानसून की हवाएं हैं एक बड़े इलाके को पार करती हुई हम कह सकते हैं महाराष्ट्र और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलाकों को पार करती हुई इस कम दबाव के क्षेत्र में सम्मिलित हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कच्छ और सौराष्ट्र की जो हवाएं हैं ये यानी गुजरात के ऊपर से होती हुई, राजस्थान के ऊपर से होती हुई, मध्य प्रदेश के ऊपर से होती हुई एक और कम दबाव के क्षेत्र में शामिल हो रही हैं। ये कम दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ऊपर है, यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो इस इलाके में बादल बना रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ से राजस्थान के ऊपर से जो हवाएं आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी से जो नमी उठाकर हवाएं आ रही हैं वो उत्तर भारत में पहुंच रही हैं। और उत्तर भारत में पहुंचकर हम कह सकते हैं जो टकराव हो रहा है, ये देखिए ये टकराव का पूरा रास्ता दिख रहा है, टकराव की लाइन दिख रही है और ये जो टकराव है वो हम कह सकते हैं ख़तरनाक है। और जिस तरीके का टकराव है, हवाएं जिस तरीके से घूम रही हैं उससे साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम बात करें झारखंड की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, तो इन इलाकों में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कम दबाव का क्षेत्र है उसका असर ये हो रहा है बुंदेलखंड समेत हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में
ज़बरदस्त बादल बन रहे हैं और ये जो बादल बन रहे हैं वो कई इलाकों में अच्छी बारिश दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये हवाएं हिमालय पर्वत से टकरा रही हैं, वापस आ रही हैं और इस कम दबाव के क्षेत्र में सम्मिलित हो रही हैं और इस पूरे इलाके में हम कह सकते हैं रह रहकर बारिश का सिलसिला चल रहा है। तो ये बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरीके का मौसम है। तो मौसम विभाग का कहना है कि कई इलाकों के लिए चेतावनी है। तो ये चेतावनी किस तरीके की है, क्यों कहा जा रहा है चेतावनी है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए कि आखिरकार चेतावनी क्यों दी जा रही है। तो यहाँ हम आपको न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए दिखाएंगे कि किस तरीके की स्थिति है। तो ये अगले 24 घंटे में जो होने जा रहा है उसका साफ साफ यहाँ पर दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि झारखंड में झमाझम बारिश, झारखंड के एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त बारिश होने का अंदेशा है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं दक्षिण बिहार के इलाकों में यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ यूपी का वो इलाका जो मध्य प्रदेश से लगता है उन इलाकों में आप देख सकते हैं कई जगहों पर भारी बारिश और कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश होनी है। और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके में भारी बारिश का अंदेशा है। बाकी जगहों की बात करें तो जो इलाके पीले रंग से दिख रहे हैं वहाँ पर हल्की बारिश और जो हल्का ग्रीन दिख रहा है वहाँ पर हम कह सकते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर की बारिश। और अगर हिमालय पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं नेपाल में रह रहकर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हरियाणा की बात करें, दिल्ली NCR की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इन इलाकों में भी ज़ोरदार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। चलिए 1 अगस्त की बात कर लेते हैं। 1 अगस्त को देखिए किस तरीके से मौसम अलग तरीके का हो रहा है। कैसे अलग हो रहा है, क्योंकि अगर हम बिहार की बात करें तो बारिश का क्षेत्र बिहार पहुंच रहा है यानी 1 अगस्त को। और इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके में, एक बड़े इलाके में जिसमें इलाहाबाद, चित्रकूट और साथ ही साथ हम कह सकते हैं बुंदेलखंड का जो इलाका है, कानपुर है और लखनऊ के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर ज़ोरदार बारिश होनी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कोटा के आसपास ज़बरदस्त बारिश, एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश होने का अंदेशा है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हिमालय पर्वत में भी रह रहकर ज़ोरदार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। तो ये अगस्त की शुरुआत होगी। और 2 अगस्त की अगर हम बात करें तो 2 अगस्त में भी राजस्थान में बारिश कम नहीं हो रही है। राजस्थान के एक बड़े इलाके में जिसमें हम कह सकते हैं वो इलाका जो गुजरात से लगा हुआ है यानी उदयपुर के इलाके से लेकर कोटा और जयपुर के इलाके तक जो है यानी जो आगरा से लगा हुआ इलाका है, धौलपुर, उन सारी जगहों पर ज़बरदस्त बारिश होनी है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी ज़ोरदार बारिश है और 2 अगस्त को हिमालय पर्वत में भी बारिश बढ़ रही है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम दर्जे की बारिश और बिहार की बात करें तो बिहार के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश और मध्यम दर्जे की बारिश होनी है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर मौसम विभाग की बात करते हैं तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो आइए हम आपको चेतावनी भी दिखा देते हैं किन किन इलाकों के लिए चेतावनी है। तो यहाँ जो मौसम विभाग कह रहा है अगर हम उसके हिसाब से चलें तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगले 24 घंटे में जो चेतावनी है वो पूर्वी राजस्थान और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, झमाझम बारिश होनी है कई इलाकों में। तो ये जो रेड कलर दिख रहा है ये वाकई में इन इलाकों के लिए वार्निंग है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में ज़ोरदार बारिश होनी है और यहाँ पर हम कह सकते हैं दार्जिलिंग और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में ज़ोरदार बारिश होने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर दिख रही है वो 31 की है। और 1 अगस्त के लिए देखें तो 1 अगस्त की वार्निंग देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड में हैवी रेन, ईस्ट मध्य प्रदेश में हैवी रेन और साथ ही साथ वेस्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ज़ोरदार बारिश होनी है। तो यहाँ ये स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम 2 अगस्त की बात कर लेते हैं, 2 अगस्त की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में कई जगहों पर ज़ोरदार बारिश होनी है। और उसके पीछे जो वजह है वो वजह ये है कि 2-2 कम दबाव के क्षेत्र हैं जो आपस में तालमेल बिठाल कर मानसून को कई इलाकों में अच्छी बारिश देंगे। और मानसून को जिस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं उससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले अगस्त के महीने में भी कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।